दोस्तों मैं अभी आया हूँ अपने होम टाउन एक शादी अटेंड करने के लिए। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि एक यूपी में एक मुस्लिम शादी कैसे होती है। नॉइज पोल्यूशन क्यों कर रहा है? मैं तो तेरा एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ यार। एंटरटेनमेंट कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन कर रहा है। छोड़ दे मत घर तक। करो करो करो। दोस्तों हम आ चुके हैं शादी में और आपको दिखा दें शादी। अंदर आते ही दोस्तों मामू ले जा रहे हैं खाना खिलाने हैं। तुम्हें सबसे जल्दी हो रही खाना खाने की? पापा खा रहे भाई। यार थोड़ा तो इंतजार कर लेता यार। किस चीज़ का? शादी में आया नहीं खाना पहले शुरू कर दिया। किस चीज़ का इंतजार करना है? ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये क्या हो रहा भाई? ये क्या हो गया है? डाइट पे होना तो इसलिए आया था। डाइट डाइट चल रही है तेरी? शादी का खाना खा रहा है भर भर के है। और ये देखो ओ भाई, ओए भाई यार भर ले, कम है अभी तो, कम है। अबे एक साथ ले रहे हैं हम, चार पांच लोग। कम है यार अभी और भर। तो डाल दो ना, ये तो इनके अकेले के लिए काफी है, हम क्या खाएंगे। क्या कह रहा है? ये तो इनके अकेले के लिए काफी है ना, हम क्या खाएंगे। भर ले भैया, भर ले, भर ले, भर ले, भर ले। दोस्तों ये देखो, मुस्लिम शादी में आपको खाना बहुत जोरदार मिलेगा, जबरदस्त एकदम। हैं? अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, फिर डिसाइड करूंगा क्या लेना है। और इधर मामा लगे पड़े हैं। क्या भाई? ये देखो, ये देखो किस तरीके से चल रहा है मामला। और खाने तो खा रहे हैं, फिर कर रहे हैं क्या? हां थोड़ा सही से खाओ, सलीके से खाओ ना। सलीके से कैसे खाया जाए? देखो भाई बिरयानी तो हाथ से खाई जाए, कुछ लोग चम्मच से भी खाते हैं। सुना नहीं दे रहा है। देख 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 कैसे प्लेटें भर रहा ना मन। क्या बे वो तीन तीन लेग पीस लेके जा रहा है भाई साहब? दो ही तो है यार, तीसरा लेने का दिया तूने। अच्छा जहाँ बन रही है गरम कर, वहां से गरम लेके आ जाएगी। और एक एक पॉपकॉर्न दो। बच्चे के पॉपकॉर्न हड़प रहे हो? ये देखो देखो दोस्तों, डाइट पहले इतने सारे चिकन के पीस खाए, अब कॉफी पी जा रही है। वर्कआउट कर ले, ये डंड मार ले, अभी मार ले। बस चोर 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 ही तो गई थी। बस बस बस, ये आदिल का छोटा भाई है। जानते मुझे तो ये कोई नहीं जानता तुझे, पिछले लोग में जानते हैं। अच्छा दहेज तो तगड़ा है, अरे बहुत जबरदस्त भरपूर दहेज है। आदिल दहेज तो तगड़ा है, दहेज तो तगड़ा है।
मेरी करवा देना, दहेज मुझे भी दिलवा देना। बता क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? एक लड़की चाहिए, अमीर बाप और तीसरा तगड़ा दहेज। हाँ तो दो चीज़ें, अगर लड़की है और अमीर बाप है तो तीसरी चीज़ तो खुद ही मिल जाएगी, तगड़ा दहेज। दोस्तों ये झूठ बोल रहा है, दहेज वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो क्या है कि हम दोनों चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं, तो मेरे लिए उन्होंने ये गाड़ी दी है। अच्छा गिफ्ट। ओ मुझे लगा दहेज की गाड़ी। पागल है क्या, दहेज के तो खिलाफ है यार। दहेज के खिलाफ हो तुम तो दूर हटो, फिर हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं भाई साहब। हम तो पूरी सपोर्ट में रहते हैं सख्त। हमारे लिए तो पूरा ही दहेज है, उससे बड़ा कोई दहेज हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? फॉर्च्यूनर पॉपकॉर्न दे दो। अरे चीटर। ये है दोस्तों शादी, देख सकते हैं आप, बढ़िया डेकोरेशन हो रही है। और ये है नमूने जो शादी में सिर्फ केवल खाने आते हैं। तू क्या निकाह बनाने आया है? हाँ। अल्लाह अकबर। और ये दूसरे ब्लॉगर, हर जगह इनका कैमरा चालू रहता है। तुम्हारा भी तो रहता है। मैं तो हूँ बड़ा ब्लॉगर। ये किसकी है? ओ ये तो देखी भी लग रही है। और भाई देखो शादी में भी ये पहन के आ गया भाई, मेरी फेवरेट जैकेट है। आप तो ऐसे लग रहा, तू भी पतलू का। चलो बेटा शुक्रिया भाई। हाँ भाई परवेज, शादी तो निपट ली, अब चलें। अभी कहाँ निपट ली यार। दोस्तों शादी तो ऐसी होती है, यहाँ पे तो लोग गाड़ी में चले गए जिसकी लाइट से हम ब्लॉग बना रहे थे, बाद में बनाएंगे अब। दोस्तों जब से शादी में आए हैं पूरे 52 कप कॉफ़ी पी चुका हूँ मुझे, देखो बार बार कभी ये कॉफ़ी पकड़ा दे रहा है, कभी आदिल पकड़ा दे रहा है। दोस्तों शादी से फ्री होकर हम लोग घर पर आ चुके हैं, और जैसा आप मेरी आँखों से देख सकते हैं, मैं घर आते ही सोया हूँ, और बहुत सोया हूँ, और अभी भी बहुत नींद आ रही है मुझे। तो फिर सोने के समय क्या, सोने की ताल में था दोस्तों मैं, पर परवेज ने बोला कि आज रिसेप्शन है तो रिसेप्शन में भी जाना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मेरा कुछ ऐसा मन भी नहीं कर रहा, पर परवेज ने बोला है तो जाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया खिलाएगा ना वहाँ पे? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो जो शादी थी दोस्तों, परवेज की बहन के हस्बैंड की सिस्टर की शादी थी। बहुत लंबा फैमिली ट्री था। जो शादी में हम लोग गए थे, आज उनका रिसेप्शन है, अब रिसेप्शन में जाना है। दोस्तों ट्रैवल कर रहा था तो व्यस्त हो गया था, बिजी हो गया था थोड़ा, पर व्लॉग बनाया मैंने, चैलेंज कंप्लीट करना परवेज, ठीक है? आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा। 30 days 30 व्लॉग चैलेंज करना है हमने। बिल्कुल है ना। तो दोस्तों आज अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। नींद आ रही है थोड़ी सी।